नाम रखा माँ बाप ने सलमा बेग, पर फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया इन्हें बेबी नाज। भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट्स में से एक बेबी नाज। दुश्मन, हमें मालूम है तुम जख्मी हो गए हो, बाहर आ जाओ। आइए सुनते हैं दास्तां बेबी नाज की जिंदगी की। तुम बताओ, बताना। बेबी नाज के वालिद मिर्जा दाऊद बेग एक स्टोरी राइटर थे, पर मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में इनका संघर्ष जारी था। कहानियां बिक नहीं रही थी और इनकी इकलौती संतान सलमा बेग इस परिवार को बचाने के लिए आगे आई। भगवान, देखा ना आपने डैडी को, इतने बड़े हो गए और अपना ख्याल भी नहीं रख सकते, सब कुछ भूल जाते हैं, फिक्र मुझे ही करनी पड़ती है। तब तक इनका नाम बेबी नाज नहीं रखा गया था। नन्ही सलमा मात्र 4 बरस की थी और फिल्म की हीरोइंस को देखकर उन्हीं की तरह नाचती थी और डांसिंग कॉम्पिटिशन भी जीता करती थी। नन्ही सी बच्ची ये नहीं जानती थी कि माँ बाप की मुफलसी का आलम ऐसा है कि स्टेज शो पर मिलने वाले 100 रुपए से ही घर चलने वाला है। इनके वालदेन इन्हें स्टेज शो के लिए ले जाते और इनके डांस के लिए 100 रुपए मिलते, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चलता था। जब सलमा 8 बरस की हुई, तब इनके वालिद के मित्र मिस्टर लेखराज, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इनकी परफॉर्मेंस देखी और इनके वालिद से कहा कि क्यों नहीं मशहूर हीरोइन सुरैया के बचपन का रोल हम सलमा को दे दें। फिल्म का नाम था रेशम। तब मैं छोटी थी, इसलिए अब मैं समझदार हो गई, मैं कोशिश करूं तो उनमें मेल हो सकता है। हालांकि शुरू में इनके वालिद ने इनकार किया, पर चूंकि घर की माली हालत खराब थी तो बाद में हाँ भी कह दिया और इस तरह से सलमा का नाम नाज रखा गया, बेबी नाज। कि डैडी के बारे में फिक्र न करें, मैं उनकी पूरी देखभाल करती हूँ। इस फिल्म के बाद बेबी नाज का सिक्का चमका और सभी चाहते थे कि ये बच्ची हमारी फिल्म में जरूर काम करे। ओके ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। और इनके वालदेन ने भी वैसा ही किया, तकरीबन सभी पेशकश कबूल कर ली और नाज की पढ़ाई लिखाई छूट गई। प्रिंसिपल ने इन्हें स्कूल से निकाल भी दिया, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बच्ची एक्टिंग करती रही। जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स एक शिफ्ट किया करते थे, वहाँ पे ये बाल कलाकार 4 शिफ्ट का काम करती थी। तो पूरी मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं, बड़े सख्त किस्म की मास्टर नहीं। जैसे एरियल बच्चे, वैसे ही सख्त मास्टर नहीं। अच्छा बाबा। राज कपूर साहब की फिल्म बूट पॉलिश से बेबी नाज को खासी मकबूलियत हासिल हुई। किस्सा यह भी मशहूर रहा कि नरगिस जी ने एक स्टेज परफॉर्मेंस में नाज को देखा था और वो इनसे इतना मुतासिर हुई कि राज कपूर साहब से सिफारिश की। राज साहब ने भी जब इस नन्ही सी बच्ची का हुनर देखा तो वो भी इनकार ना कर सके और बूट पॉलिश में बेबी नाज को एक जबरदस्त रोल मिला। तो आप मेरे लिए सौतेली माँ लाए हैं? यही तेरी माँ? हाँ बेटा, मैं तेरी सौतेली माँ नहीं, नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो भगवान के पास है, ये सौतेली माँ है, मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए, मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए। धीरे धीरे जब इनकी मकबूलियत बढ़ती गई, वो स्कूल वाले जिन्होंने इन्हें निकाला था उन्होंने भी कहा कि वापस आ जाओ तो अच्छा है। बेबी नाज पढ़ना चाहती थीं, लेकिन इतनी मसरूफ थीं कि पढ़ाई के लिए वक्त ही ना निकाल पाई। तो आप मेरे स्कूल से भागने पर नाराज हैं तो दादी, लेकिन आज कुछ बात यार। घर के हालात ऐसे थे कि बेबी नाज शूटिंग से लौट कर आती तो देखती कि इनके माँ बाप लड़ रहे हैं। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं होता था कि नाज शूटिंग से लौटी हैं और भूखे पेट ही सो गई। मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऐसा जरूर मत कीजिए। और हालात इतने बदतर होते जा रहे थे कि बेबी नाज जिंदगी की घुटन से आजादी चाहती थीं और तब सोचा कि जिंदगी को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या। मुंबई में इनके घर के नजदीक एक कुआं था और इनकी आया अक्सर ये कहानी इन्हें सुनाती थी कि बहुत सारे लोग इस कुएं में कूद के अपनी जान दे चुके हैं और एक दिन नाज भी उस कुएं में कूदने के लिए बढ़ रही थी। तभी इनकी आया ने देख लिया और इन्हें वापस खींच लिया और जब ये बात इनकी वालिदा को पता चली तो इन्होंने नाज को सीने से नहीं लगाया बल्कि थप्पड़ लगाए और चीखी चिल्लाई। उन्होंने कहा ना, जो कभी हाथ नहीं लगाएंगे, बड़ों से ऐसा नहीं कहा करते। दूसरी बार भी जब नाज ने ऐसी कोशिश की तब भी इनकी आया ही थी जिन्होंने बचाया इस जबरदस्त कलाकार को। पारिवारिक कलेश बढ़ता जा रहा था और फिल्म इंडस्ट्री में बेबी नाज का नाम हर ओर छा रहा था। इनके माँ बाप का तलाक हुआ और माँ ने दूसरी शादी की। अपने माँ बाप के तलाक के बाद बेबी नाज अपने माँ के साथ ही रहती थी। लेकिन भगवान, मेरे डैडी हैं बहुत अच्छे। धीरे धीरे बेबी नाज बड़ी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये एक बड़ी मशहूर हीरोइन भी बनेंगी। राज कपूर साहब ने ये बात भी कही थी कि नाज को स्विट्जरलैंड भेज देते हैं, वहाँ पे ये अपनी बाकी की ट्रेनिंग करेगी
और जब लौट के आएगी तब इसे लॉन्च करेंगे बतौर हीरोइन। लेकिन बेबी नाज की माँ ने इनकार कर दिया और एक अजीब और गरीब शर्त रखी कि अगर स्विट्जरलैंड भेजना है नाज अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। सारी उम्र किस्मत की ठोकरें खाने के बाद पहली बार जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी मिली। धीरे धीरे बेबी नाज की जिंदगी में प्यार भी आया और कुछ ऐसी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया जिसमें ये बतौर हीरोइन नजर आईं। फिरोज खान साहब के साथ फिल्म नादिर शाह, महमूद साहब के साथ लंबे हाथ, रॉकेट गर्ल, गंगू और ये फहरिस्त काफी लंबी है। और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन्हें मिल गए इनके जीवन साथी भी। फिल्म का नाम था मेरा घर मेरे बच्चे और दूसरी फिल्म रही देखा प्यार तुम्हारा, जिसमें इन्होंने सुबी राजकुमार के साथ काम किया। सुबी राजकुमार दरअसल राज कपूर साहब के कजन हैं। शुरुआती दौर में इस रिश्ते को लेकर जरा सी मुखालफत जरूर हुई, पर बाद में इनकी शादी हो गई और सुबी राज ने इनकी जिंदगी को संभाला। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए। वो वक्त भी आया जब नाज ने स्टेज शो कंपेयर करने शुरू कर दिए। कल्याण जी आनंद जी नाइट्स में अक्सर ये नजर आती। मुंबई दूरदर्शन के लिए भी इन्होंने कुछ काम किया और फिर ये एक जबरदस्त डबिंग आर्टिस्ट बनी, जिसमें साउथ की हीरोइंस जैसे कि श्रीदेवी के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी। चोरी चुगलखोर, दो कौड़ी की फूल बेचने वाली हमारी शिकायत करती है। बेबी नाज फिल्मों में रहीं, फिल्मों से दूर भी रहीं, अपने परिवार के नजदीक भी हो गईं, पर एक दुख इन्हें जिंदगी भर सताता रहा। और फिर वो लम्हा आया इनके जीवन में जब इन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। डॉक्टरी चेकअप के बाद पता चला कि बीमारी काफी बढ़ चुकी है। बहुत कोशिश की गई इन्हें बचाने की, पर ऐसा हुआ नहीं। 19 अक्टूबर 1995 को बेबी नाज ये दुनिया छोड़ चल बसी। जब जब भारतीय सिनेमा का इतिहास पढ़ा जाएगा, बेबी नाज का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।